डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। श्रीकांत त्यागी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मेरठ कमिश्नरी पर दिया जा रहा धरना आज समाप्त हो गया है। धरना समाप्ति के मौके पर श्रीकांत त्यागी ने कहा कि गांव की भाषा में उस महिला से बोले गए वाक्य को कुछ इस तरह से पेश किया गया जैसे श्रीकांत त्यागी कोई आतंकवादी हो। गिरफ्तारी पर 3 लाख का इनाम भी ऐसे दिया गया जैसे पुलिस ने आतंकवादियों के कमांडर को गिरफ्तार कर लिया हो। आनंद फानंद में 25,000 रुपये का इनाम और गैंगस्टर लगा दिया गया। त्यागी समाज की नोएडा में हुई रैली को देखकर भाजपा के पांव उखड़ गए। भाजपा त्यागी समाज के आगे नतमस्तक हो गई। अब अगर त्यागी समाज तय करेगा तो वह नए रूप में अपनी राजनीति पारी शुरू करेगा। 2 माह से चला आ रहा धरना इस सवाल के साथ समाप्त हो गया कि ये धरना श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी और परिजनों के पुलिस उत्पीड़न के नाम पर शुरू किया गया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, फिर ये धरना श्रीकांत की रिहाई पर समाप्त क्यों हो गया? हालांकि धरने की समाप्ति के दौरान कहा गया कि यदि परीक्षितगढ़ के खजूरी गांव निवासी दीपक हत्याकांड की सही जांच नहीं हुई तो 6 नवंबर को मेरठ जाम किया जाएगा। सुनिए क्या कहा धरना समाप्ति पर श्रीकांत त्यागी ने। एक महीना से हमारा अभद्र का वीडियो वायरल हुआ, आपको जानना बहुत जरूरी, घटना जो घटी उसका सत्य क्या है। वीडियो जब वायरल हुआ तो हमें लगता है कि एक कॉमन सी एक महिला आई, शराब पी हुई थी, विवाद किया हमारे जो पार्क में वहां लोग काम कर रहे थे उनको, राहुल प्रजापति और सुरेंद्र यादव लड़का था, उसको गाली गलौज दे रही थी। हम रात 3 बजे लौटे अपने घर पर तो सुबह उठे 9:30 बजे, पता लगा कि बाहर एक महिला है जो शराब पी हुई है और गाली गलौज कर रही है कुछ कर्मचारियों से। जब उसने गाली गलौज की तो स्वाभाविक है हम भी अपने गांव की भाषा में उससे बात कर बैठे। इतनी सी वीडियो को वायरल करने पर पूरे भाजपा की एक लोभी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर लिखी है। जब जेल में थे तो एक बात से हमेशा परेशान मन रहता था कि परिवार बड़ा संघर्ष कर रहा है। हमारी पत्नी से थाने में घटना के 4 घंटे बाद ही ऐसे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ यह की जा रही थी कि श्रीकांत त्यागी कहां, यह नहीं पूछा जा रहा था। पूछा जा रहा था कि श्रीकांत त्यागी की कहां-कहां खदानें चल रही है, कहां-कहां ग्रेफर चल रहे हैं, कितने उनके आवास है, कितने उनके मकान है और कितनी उनकी इनकम है, और 15 लाख 20 लाख मीडिया में किराया चला जा रहा है, उनकी रिश्तेदारों की गाड़ियों को उठाया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को उठाया जा रहा है। मुद्दा उसी दिन में समझ गया था कि ये तो किसी ने सिखंदनी भेजी भीषण पिताओं को मारने के लिए, ये अपराध मुस्तैनी हुआ, ये अपराध कराया गया। इससे पूर्व मीडिया से वार्ता करते हुए श्रीकांत त्यागी ने यह कहा। श्रीकांत जी क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कह रहे दोबारा, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ा और लगातार यहां त्यागी समाज प्रोटेस्ट कर रहा है 25 अगस्त से, क्या कहेंगे आप? नीचे करो नीचे जी जी बताए जी बताए। जो षड्यंत्र के तहत कूट रचित तरीके से प्रायोजित तरीके से राजनीतिक हमारी छवि को धूमिल करने की और हमारी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई, उसकी रक्षा हमारे समाज के नौजवान, मेरे क्रांतिकारी साथी, हमारे बुजुर्गण, हमारे प्रबुद्ध समाज के सम्मानितगण और समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग, जिसकी मैंने पिछले 15 सालों से सेवा करने का काम किया, उन्होंने हमारी रक्षा करने का काम किया। तो क्यों एकदम से अचानक से ऐसा घटनाक्रम हुआ पूरा कि कुछ लोग विरोध में आ गए, कुछ पक्ष में आ गए, एक तरह से अलग राजनीति शुरू हो गई? कोई विरोध में नहीं है, जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनकी योजना के तहत जो लोग काम कर रहे हैं वो विरोध में है। षड्यंत्रकारी लोग 4 नाम है बता चुके हैं, 4ों के नाम भाजपा के नेता है, हमारी राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए,
हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए। अगला कदम आपका क्या होगा, किस तरह से क्या प्लानिंग है? समाज 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 सर्वोपरि है, अपने नेता और बेटा के रूप में हमें मानकर और हमें आशीर्वाद दे रहा है, जो समाज कहेगा वही करेगा। अभी के लिए इतना ही, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।